सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल न्यू अपडेट चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रेम, आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यू अपडेट। आप सब दोस्तों मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे बात करने वाला हूँ कूल थ्री स्मार्टफोन के बारे में जो हाल ही में लॉन्च हुए उसके बारे में जानकारी बताना। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए कूलपैड M3 स्मार्टफोन के बारे में जानते हैं। बीते साल दिसंबर महीने में अपनी मेगा सीरीज के फ़ोन लॉन्च करने बाद कूलपैड में भारतीय मार्केट में कूलपैड कूल 3 लॉन्च किया था और ये स्मार्टफोन वाटरप नॉच ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। कूलपैड कूल 3 स्मार्टफोन आउट ऑफ बॉक्स अंडर 9 पाई पर चलेगा और ये ड्यूअल सिम सपोर्ट लेस है। कूलपैड फ़ोन में 3000 mAh की बैटरी और नई और डिस्प्ले 5.71 इंच का है। और याद करा दें कूलपैड ब्रांड के बीते साल भारत में Magic 5, Magic 5M और Magic 5C स्मार्टफोन उतरा था। कूलपैड कूल 3 की भारत में कीमत और उपलब्धता, कूलपैड कूल 3 को 5,999 में बेचा जाएगा। यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट में उपलब्ध होगा। रिलीज की तारीख के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। स्मार्टफोन मिडनाइट ब्लू रंग, ब्लैक और ऑरेंज इन रेडियो और टेल ग्रीन रंग में। जैसे कि मैं आपको बताइए कूलपैड कूल 3 में वार्डरोप नॉच डिस्प्ले और सेल्फी सेंसर की जगह मिली और निचले हिस्से पर पिन है और पिछले हिस्से पर पॉजिटिव ड्यूल कैमरा सेटअप है और फिंगरप्रिंट सेंसर है। वॉल्यूम और पावर बटन दाई तरफ और कूलपैड ट्रे में दाई तरफ मिली है। फोन में पैरा लॉक स्मार्ट सपोर्ट करता है। कूलपैड कूल 3 स्पेसिफिकेशन, ड्यूल सिम कूलपैड कूल 3 एंड्रॉइड 9 पॉइंट पर चलता है। फोन में 5.71 इंच का एलईडी डिस्प्ले और 1.3 GHz ऑक्टा कोर है और प्रोसेस के 2 GB रैम है और इनबिल्ट स्टोरेज 16 GB है और जरूरत पड़ने पर 128 GB तक का SD कार्ड सपोर्ट किया जा सकता है। और पिछले हिस्से पर कूलपैड कूल 3 में 8 MP का प्राइमरी सेंसर और सेकेंडरी सेंसर 0.3 MP का है। सेल्फी के लिए हैंडसेट में 5 MP का सेंसर दिया गया है और स्मार्टफोन में 3000 mAh की बैटरी और कनेक्टिविटी फीचर के लिए ब्लूटूथ 4.1 और वाईफाई और 4GB शामिल है। और अगला अपडेट सैमसंग की ओर नया जाए जो सैमसंग दक्षिण कोरिया की मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग अपनी नई सीरीज सैमसंग गैलेक्सी में अंतर नए 9 स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रही है। और सैमसंग आगामी स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A9 कनेक्टेड रेडर ग्राफिक में तस्वीर लीक हुई है। इसी तस्वीर से बात का पता चला है कि सैमसंग गैलेक्सी A9 का पॉपअप सेल्फी कैमरा आखिर कैसा दिखेगा। तो सैमसंग गैलेक्सी A90 की लीक हुई तस्वीर से फ़ोन का पैटर्न और बैक पैनल का नज़र आ रहा है। इस फोन में बेजल लेस डिस्प्ले और साथ ही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप की झलक देखने को मिली। गैलेक्सी A990 के कुछ कनेक्टिविटी रेडर को सैमसंग ने डायरेक्ट सॉफ्ट में लीक हुई तस्वीर में कैप सेल्फी कैमरा 2 अलग अलग जगहों पर नज़र आ रहा है। सैमसंग गैलेक्सी A90 की लीक हुई तस्वीर में पॉपअप सेल्फी कैमरा और फोन के ठीक नीचे बीच दही तरफ नज़र आ रहा है। गौर करने की बात यह कि इसमें फ्रंट कैमरा सिंगल सेंसर से ही लेस है, ये एक इस फोन में इश्यू हो सकता है। पॉपअप सेल्फी कैमरा मॉडल की जगह डिस्प्ले फोन में मिली और कुछ समय पूर्व ही लीक हुई एक रिपोर्ट ये कहा कि सैमसंग गैलेक्सी A90 की कनेक्टिविटी डिस्प्ले इस्तेमाल किया जाएगा। और हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि स्क्रीन का साइज क्या होगा और केवल इतना ही नहीं फ़ोन के पिछले हिस्से पर फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। लेकिन अभी तक इस बात की भी जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर इस फोन में कितने मेगापिक्सल सेंसर का कैमरा हो सकता है। चीन की मोबाइल निर्माता Xiaomi ने भारतीय बाजार में एक नए प्रोडक्ट मी मेंस स्मार्टफोन सूज 2 को लॉन्च कर दिया गया है। याद करा दें कि हमने हाल ही में Xiaomi एक टीजर जारी किया था जिससे इस बात का संकेत प्राप्त हुआ है कि कंपनी द्वारा स्मार्ट शूज को भारत में लॉन्च करने की Xiaomi ने अब प्रचुर बैटरी देते हुए कहा है कि भारतीय ग्राहकों के लिए मी मेन स्पोर्ट शूज 2 को लॉन्च किया जान बताया तो है कि यह बात की कंपनी कनेक्टिविटी फोर्स उपलब्ध कर रहे हैं। Xiaomi ने दावा किया कि इस शूज में 5
पॉइंट इन वन यूनी मॉडलिंग तकनीक से तैयार किए गए और स्पोर्ट्स शूज को बनाने के 5 अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, जिस वजह से जूते सॉफ्ट प्रूफ ड्यूप और रिपल प्रोडक्ट के साथ कंपनी ने काउंटिंग प्लेटफार्म पर शूज 2,400 रुपये में उपलब्ध और मीस मैन शूज स्पोर्ट शूज को ब्लैक ग्रे और ब्लू रंग में उतारा जाएगा और शूज की डिलीवरी 15 मार्च से शुरू होगी। तो इस आप इन जूतों को 15 मार्च से खरीद सकते हो। अभी ये पता नहीं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध होंगे या नहीं, वो पूछने लगे। यहाँ पर अगला अपडेट लिनोवा की तरफ से, तो लिनोवा अपना हैंडसेट निर्माता कंपनी लिनोवा पेब सीरीज के अंतर्गत एक नई डिज़ाइन लिनोवा पेब 3 को लॉन्च किया जा सकता है। याद करा दें कि लिनोवा के कुछ साल पहले अपनी लेब सीरीज कुछ पेनोवेटर के लीजिए स्क्रीन के बारे में जानकारी दी, तो डिवाइस को यूजर्स सर्टिफिकेट प्राप्त किया और पोस्ट डिलीवरी को जाँच किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।